नमस्कार सभी को। कहते हैं स्टॉक मार्केट में एवरेज अगर आप ऊपर की तरफ करते हैं तो वो बेटर रहता है, ना कि एवरेज नीचे की तरफ आपको करना है। सपोज़ एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, एक गुड क्वालिटी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है और सडनली मार्केट फॉल हुआ है, उसी वजह से वो स्टॉक भी नीचे आया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एवरेज करें। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, कंपनी के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस अच्छे हैं, कंपनी का फ्यूचर एंड रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है फ्यूचर में, तो उसका पर्टिकुलर स्टॉक में एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक नॉर्मल मिड कैप में इन्वेस्ट किया है और अगर मार्केट में फॉल आया है तो वो भी ऑब्वियसली नीचे आएगा, तो आपको एनालाइज़ करना है कि उसका नीचे का सपोर्ट लेवल कौन सा है, सपोर्ट लेवल के आसपास वो रिवर्सल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर सपोर्ट लेवल के आसपास वो रिवर्सल नहीं दे रहा है तो वहाँ पे आपको एवरेज नहीं करना है, उसको और नीचे आने देना है। अगर सपोर्ट लेवल से अगर वो ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसको रिवर्सल, उसका ट्रेंड पूरा चालू होने दीजिए, पहले रेजिस्टेंस पे एवरेज कीजिए या फिर पहले सपोर्ट लेवल पे उसको एवरेज कीजिए, जब आपको कंफर्म हो जाए कि उसका स्टॉक का अपर ट्रेंड चालू हो गया है, वहाँ पे आप एवरेज कीजिए। तो एवरेजिंग में भी एक तरीका होता है एवरेज करने का। अगर गुड क्वालिटी स्टॉक है तो एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिड कैप में आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका अपर ट्रेंड चालू होने दीजिए, उसके बाद ही एवरेज कीजिए। रिमेंबर, डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे।